शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आए दिन शहर में कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। अब शहर का सेंट्रल जेल है जो कि कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है, जिसका जायजा लेने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख सेंट्रल जेल पहुंचे और उन्होंने सेंट्रल जेल का जायजा लिया। कोरोना का फैलाव अब शहर के सेंट्रल जेल तक पहुंच गया है। शहर के सेंट्रल जेल में कोरोना से संक्रमित 41 कैदी और 56 स्टाफ के कर्मचारी है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज सेंट्रल जेल का मुआयना किया। इस समय देशमुख बोले कि पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है, जेलों में सैनिटाइजिंग किया जा रहा है, कैदियों की स्क्रीनिंग भी हर रोज की जा रही है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम जेल में उपलब्ध करा दिए गए हैं। फिलहाल जो महाराष्ट्र में जितने जेल है उसमें से जो हमारे अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स है और उसी प्रकार जिनको 7 साल तक जिनको सजा हुई है ऐसे जो प्रिजनर्स है उनको बीच में छोड़ने के बारे में निर्णय हुआ था, उसके तहत करीबन पूरे महाराष्ट्र में करीबन 37,000 प्रिजनर्स हमारे पूरे महाराष्ट्र की जेल में हैं। उसमें से अंडर ट्रायल और सात साल तक जिनको सजा हुई थी ऐसे करीबन 11,000 अंदाजन कैदियों को हमने इमरजेंसी पैरोल पे हमने छोड़ा है और उसी प्रकार बाकी क्यों भी जो अंडर ट्रायल है और जो 7 साल तक जिनको सजा हुई उनकी भी ट्रायल उनकी चालू है। बेल के लिए अप्लाई करते कोर्ट में जाके उनकी सुनवाई होती है और वहाँ पे कोर्ट निर्णय लेता है। इस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग जेल में भी रहना चाहिए उसके लिए हमने निर्णय लिया है और जो संक्रमण बीच में महाराष्ट्र में कुछ जेल में हुआ था उसमें पूरे महाराष्ट्र में करीबन 414 कैदी हमारे संक्रमित हुए थे, उसमें से 281 कैदी उनको रिहा कर दिया गया। उसी प्रकार जो हमारे जो पुलिस का जो स्टाफ है जिनकी ड्यूटी जेल में है उनमें से करीबन 162 हमारा स्टाफ भी संक्रमित हुआ था, उनमें से 90 हमारे जो स्टाफ है उनको भी रिहा कर दिया गया है, उनकी भी तबीयत अभी अच्छी है। उसी प्रकार आज जो नागपुर जेल में जहाँ पे हम खड़े हैं आज वह यहाँ पे हमारी सभी ये जेल के अधिकारी हमारे ADG साहब है सुनील जी रामानंद साहब और बाकी हमारे जेल के अधिकारी इनसे आज यहाँ पे चर्चा हुई, जो प्रिजनर्स है उससे भी मैंने रूबरू बातचीत की, उनका भी क्या कहना है हमने सुना। और यहाँ पे आज नागपुर के जेल में करीबन 41 जो हमारे बंदी थे वो संक्रमित थे और 56 हमारे जो स्टाफ था वो भी संक्रमित था, उनके लिए जो यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर है नागपुर में वहाँ पे उनके ऊपर इलाज चल रहा है। ऐसा है कि कोरोना जो है आपको पता है कि किचन रहता है, किचन में सब्जी आती है, दूध आता है, बाकी चीज़ें आती है, जो सर्विसेज जो जाती है उसमें से हो सकता है शायद वहाँ पे संक्रमण उसका हुआ हो, लेकिन हमने बीच में निर्णय लिया था कि जो भी जेल है उसको हमने करीबन 9 जेल को हमने लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन का मतलब उसमें से कोई भी कैदी बाहर नहीं जाएगा और जो भी हमारा स्टाफ है वो भी कभी जो अंदर है वो भी बाहर नहीं जाएगा और बाहर का अंदर नहीं आएगा, इस प्रकार का हमने प्रिकॉशन लिया। उसकी वजह से काफ़ी संक्रमण जो है जो हो सकता था वो उतना हुआ नहीं। ऐसा है कि आप देख रहे मुंबई में एक चीज़ है कि जो लॉकडाउन था लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 इसमें काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों ने बड़े अच्छी तरीके से हमको सहकार्य किया। अब ऐसा है कि लॉकडाउन तो जारी था लेकिन उसमें आर्थिक गतिविधि भी बढ़ना जरूरी है। साथ ही राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने लोगों से अपील की है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले ताकि कोरोना संक्रमण की चेन ब्रेक हो सके। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबराकड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इन बीसीएन न्यूज नागपुर।